नमस्कार गोपाल, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों की। गोपीशंकर का शनिवार के बंगले में लगी आग, तब तक से बंगले में हुआ नुकसान। दुबई काम करने गए मोबाइल के युवक की खुदकुशी, वीजा जब्त करने से था परेशान। दो मिनट देरी हुई तो पटवारी परीक्षा में नहीं बैठने दिया, सीएम हाउस पहुंचे पीड़ित परीक्षार्थी। भोपाल पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय रेसलर अथलीट खुली, मुख्यमंत्री से 30 वजन से भेंट। सेल्फी का शौक, युवती को ले गया मौत के मुंह में और मुश्किल बचाई जान। राजधानी भोपाल के चार इमली स्थित मंत्री गौरीशंकर सेजवार के बंगले में आग लग गई। आग बंगले में बने ऑफिस के मीटर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन दमकलों ने करीब डेढ़ घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से बंगले का ऑफिस वाला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस के मुताबिक रात मंत्री के बंगले B10 में तैनात कर्मचारियों ने आग देखी तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। तो फायर ब्रिगेड के माता मंदिर और बोगदा पुलिस स्टेशन से एक एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग बड़ी होने से फतेहगढ़ से दो और कोलार से एक फायर ब्रिगेड भी बुलानी पड़ी। करीब डेढ़ घंटे तक दमकलों ने लगातार पानी की बौछारें डाली। रात 9 बजे दमकल कर्मियों ने आग पूरी तरह बुझ जाने का क्लियरेंस दिया। मंत्री गौरीशंकर शेजवार शाम को ही जबलपुर प्रवास पर रवाना हुए थे। उनके शहर से बाहर जाने के चंद घंटे बाद ही ऑफिस में आग लग गई। इससे ऑफिस की सीलिंग, सोफा, कुर्सियां सहित डेस्क आदि फर्नीचर, दो अलमारियां जलकर खाक हो गई। आग से कई फाइलें भी जलने का अंदेशा है। कर्मचारियों का कहना है आग से कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन सी फाइलें जली हैं, अभी इसका पता लगाया जा रहा है। दुबई में भविष्य बनाने गया भोपाल का एक युवक अपने ही देशवासियों की प्रताड़ना का शिकार हो गया। प्रताड़ना से तंग आकर युवक रोहित ने खुदकुशी कर ली। रोहित ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने कुछ नामों का उल्लेख करते हुए उन्हें प्रताड़ना के लिए दोषी बताया। रोहित की मां ने भोपाल में बताया कि दुबई में काम करने गए रोहित का वीजा और पासपोर्ट वहीं रहने वाले पायल और विकास जैन ने छीन लिया था। वे उसका वीजा और पासपोर्ट वापस नहीं लौटा रहे थे, इससे तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। दोषियों पर कार्रवाई के लिए अब मां पुलिस के चक्कर काट रही है। रोहित की मां ने मोबाइल में उस शख्स का फोटो भी दिखाया जिसे देखकर रोहित दुबई गया था। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा पहले दिन से ही अव्यवस्थाओं का शिकार रही जो अब तक जारी है। अव्यवस्थाओं और कड़क नियमों से परेशान परीक्षार्थी सोमवार को सीएम हाउस तक जा पहुंचे। हालांकि इन परीक्षार्थियों को बाहरी रोक दिया गया। इन परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्हें मात्र 2 मिनट की देरी होने से परीक्षा हाल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, इससे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हालांकि कुछ जगह अभी भी स्थितियां खराब हैं, लेकिन अधिकांश जगह उम्मीदवार अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं। वहीं पहले दिन की पहली पारी में रद्द हुई परीक्षा और खराब अव्यवस्थाओं के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की है कि ये परीक्षा 29 सितंबर को कराई जाएगी। बताते चले पटवारी परीक्षा की पहली शिफ्ट की परीक्षा स्थगित हो गई थी जिसके कारण पूरे प्रदेश के करीब 26,000 उम्मीदवार प्रभावित हुए। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली सोमवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सौजन्य भेंट भी की। खली मध्य प्रदेश के 4 शहरों में होने वाले फाइट शो के सिलसिले में मध्य प्रदेश के दौरे पर है। ये फाइट जनवरी फरवरी में आयोजित किए जाएगी। खली ने पत्रिका से विशेष बातचीत में बताया कि देश में प्रोफेशनल रेसलिंग का क्रेज बढ़ रहा है। हरियाणा रेसलर कविता WWE में गई। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में भी फाइट शो हो चुके हैं। राजस्थान और गुजरात में भी फाइट शो आयोजित किए जाने हैं। खली ने मीडिया को बताया कि रेसलिंग में अंडरटेकर को मात देना अपने आप में यादगार पल था। उस रेसलिंग को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइट थे। रेसलिंग के जिस लेजेंड अंडरटेकर को देखकर हम बड़े हुए, उससे लड़ने और हराने की मेरी खुशी सातवें आसमान पर थी। तब मैं तो खुश था ही, पूरा देश भी मेरे साथ खुश हुआ। मध्य प्रदेश में पहली बार आए खली ने रात्रि विश्राम उज्जैन में किया था। बताते चले शो में राजधानी भोपाल के कमला नगर निवासी 24 वर्षीय आवेश दिव्य के साथ ही देवास की सागरनामा भी शामिल होंगे। आवेश 2016 के
कंगनीवाल जालंधर स्थित एकेडमी में कुश्ती के दांव पेच सीख रहे हैं। 41 से अधिक मुकाबलों में प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदेश में होने वाले शो में विदेशी फाइटर भी हिस्सा लेंगे। विराट की शादी है, विराट की शादी बधाई देंगे आप? विराट कोहली की शादी, भारतीय कप्तान। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी जोड़ी सलामत रहे। राजनीति में आने का कोई मन? जी, नहीं, अभी राजनीति में कोई मन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, सुबह को शाम तक भी कितने मौसम बदलते हैं, तो लेकिन जो अभी पॉलिटिशियन का अभी मेरा कोई जाने का प्लान नहीं है। हम इधर आ रहे थे, रास्ते में कई जगह में बहुत लोगों का एक प्यार मिला है, बहुत लोग रास्ते में मतलब एक स्वागत करने खड़े थे, तो हमने सोचा कि भी यहाँ पर क्यों नहीं हम रेसलिंग की फाइट कराइए। तो वही प्रपोजल लेके मैं सीएम साहब के पास आया था मैं, और जो चीज आप लोग आज तक मेरे को टीवी में देखते थे WWE में, वही फाइट मतलब हम यहाँ पर कराएंगे। और सीएम साहब ने बताया कि भी आप करो, और जहाँ भी हमारी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मीटिंग रही है, और जो सीएम साहब कर रहे हैं स्पोर्ट्स का जो एक प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए राजधानी भोपाल में सेल्फी के क्रेज के चलते एक युवती की जान कुर्बान आई। भोपाल के बड़े तालाब के साथ सेल्फी निकालने के प्रयास में एक युवती तालाब में गिर पड़ी। समय रहते लोगों की निगाह हादसे पर पड़ गई और तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और जल्द ही युवती को पानी से बाहर निकाल लिया गया। VIP रोड पर राजाभोज की मूर्ति के पास यह हादसा उस समय हुआ जब युवती सेल्फी निकालने के प्रयास कर रही थी। सेल्फी निकालते समय पुल से उसका पैर फिसला और वो तालाब में जा गिरी। तालाब में गिरने के बाद युवती ने शोर मचाना शुरू किया। युवती की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए और उसे बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए और युवती को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला गया। जिस स्थान पर सेल्फी निकालते समय युवती तालाब में गिरी वो स्थान शहर में सुसाइड पॉइंट के रूप में विख्यात हो चुका है। इसी स्थान पर कई लोगों ने कूदकर अपनी जान दी है। यहां लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए नगर निगम ने गोताखोर और जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था कर रखी है। डूबी युवती को यहाँ मौजूद रस्सी और गोताखोरी की मदद से बाहर निकाला गया। यहाँ पहुंच कैसे गई पता नहीं यार, ऐसे कैसे? चल बेटा आवाज आ जाएगी, कोई बात नहीं। सोमवार को पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भोपाल RTO ऑफिस में महिलाओं की भीड़ देखी गई। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रावधान किया गया है। इस अभियान का मकसद है कि बालिकाएं और महिलाएं अधिकार पूर्वक दो पहिया और चार पहिया वाहन चला सकें। राज्य सरकार के परिवहन, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आओ भैया तुम्हें मैं शेयर कर रहा हूँ की टैगलाइन से यह अभियान चलाया जा रहा है। ये शिविर महाविद्यालयों, शालाओं, नगर निगम, नगर पालिका तथा विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नियमानुसार 6 माह की अवधि के लिए बनाया जाएगा। इस अवधि में प्रदेश के 94 ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बालिकाओं को ड्राइविंग की प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब बालिकाएं वाहन चलाना सीख जाएगी उसके बाद ही उन्हें परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर नियमित लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। कोलार क्षेत्र स्थित दानिशकुंज रोड पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इंडिया हेल्पलाइन और हिंदू हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में ब्लड शुगर नेत्र से संबंधित कई बीमारियों की जांच की गई। हिंदू हेल्पलाइन के जिला संयोजक कमलेश रायचंदानी ने बताया कि इस निशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।
शिविर में सबसे ज्यादा मरीजों की जांच की गई। जी क्या आज का आपका प्रोग्राम था? देखिए इंडिया हेल्थ लाइन मध्य भारत द्वारा यहाँ चार तरह की निःशुल्क जाँचें रखी गई थी, हीमोग्लोबिन, शुगर, बीपी, बीएमआई। ये इंडिया हेल्थ लाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई कुवड़िया ने इस संगठन को स्टार्ट किया है, जिसने बेसिक जाँचें जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, छोटी छोटी जाँचें हम लोग करते हैं पूरी तरह से निःशुल्क, कि छोटी जाँचों से ही बड़ी बड़े बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सके, जैसे हीमोग्लोबिन से रक्त अल्पता, एनीमिया, इसी तरह से बीपी से किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये छोटी छोटी जाँचें करते हैं। सीहोर में पुलिस की सुस्ती से चोर सुस्त हो गए हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अकेले सीहोर शहर में कुछ महीने में कई वीआईपी के मकानों को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी के ऊपर हाथ साफ कर दिए हैं। इसकी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन सुराग नहीं लग सका है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दो दिन पहले हुई 25 तोला सोने की चोरी का भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर छानबीन कर जांच शुरू की है। जांच के बाद अब तक चोरी हुए सामान का पता चला है, न ही चोर पकड़ में आए हैं। जब बड़ी चोरियों में ही कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो छोटी मोटी चोरियों का क्या हाल होगा, इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इन चोरियों में अधिकांश दिन दहाड़े हुए वारदात हैं। इनमें बड़े मामले कोतवाली थाने के हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। दो दिन पहले कृषि वैज्ञानिक के घर हुई लूट का पता भी नहीं चला है। शनिवार को भी पुलिस जांच करने के लिए पहुंची लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। सीवेज के नाम पर सीहोर शहर वासियों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सीवेज का काम पूरा होने से लोगों को दूरागामी लाभ मिलेगा, गंदगी से मुक्ति मिलेगी। शहर के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है। सीवेज का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। नगर में चल रहे सीवेज कार्य 26 जनवरी तक पूर्ण हो जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः आने वाले माह में सीवेज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये बात नगर पालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा और नपा में सांसद प्रतिनिधि जसपाल सिंह अरोरा ने मीडिया से कही। नगर पालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा ने सीवेज के नाम पर चल रही राजनीति को विराम देने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि सीवेज परियोजना का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, शेष बचा हुआ काम तेजी से चल रहा है। ये परियोजना प्रधानमंत्री की महती योजना है। इस योजना में हमारी भूमिका सिर्फ देख रेख की है, क्योंकि योजना नगर पालिका सीमा में है इसलिए जनता की आशा हमारी ओर देखती है। पूरे देश में सबसे पहले 90% काम सीहोर में पूर्ण हुआ है, तो मेरा हमारे जनप्रतिनिधि आप सबसे भी निवेदन है कि जब ऐसी परिस्थिति जब रोड खुल चुकी है और आप विश्वास रखो आप जाके चल के देख लेना 50-60% रोडों पर। अध्यापक महासंघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जिला इकाई सीहोर में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में जिले के अध्यापक आवासीय स्कूल मैदान में जमा हुए। अध्यापकों की मांगों के समर्थन में जिला संयोजक विश्वजीत त्यागी, असलम शाह और मुकेश कुशवाहा ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में विगत 18 सालों से अध्यापक समस्याओं से दुखी और पीड़ित हैं। अध्यापकों को आज तक मूल शिक्षा विभाग में शामिल नहीं किया गया है, साथ ही अन्य कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। संघ के जिला संयोजक विश्वजीत त्यागी द्वारा बताया गया कि विगत दिनों प्रदेश के समस्त संघों द्वारा एकता का परिचय देते हुए अध्यापक महासंघ का गठन किया गया है, जिसके तहत चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा लगातार प्रदेश सहित जिले के अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने सीहोर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर भारत संगठक तथा अखिल भारतीय सह विचार विभाग प्रमुख सतीश कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा इनोवेशन तथा वैल्यू एडेड के द्वारा भी हम रोजगार का सृजन कर अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। खेती में भी वैल्यू एडिशन का आवश्यकता है। इसके द्वारा किसान अपनी आय अधिक बढ़ा सकता है तथा दोगुनी कर सकता है। इसके पूर्व स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक अरुषेंद्र शर्मा ने बीच वक्तव्य देते हुए कहा कि प्राचीन भारत में कोई बेरोजगार नहीं था, लोग समृद्ध और सुखी थे क्योंकि खेती आधारित छोटे उद्योग धंधे, छोटे कुटीर उद्योगों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ था। वैसे ही कुछ आज करने की जरूरत है। संगोष्ठी प्रारंभ कर प्रांत संयोजक सतीश कुमार, अरुषेंद्र शर्मा, पंडित मोहित पाठक ने बाबू गेनू एवं दत्तोपंत ठेगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया था। गिफ्ट के लिए ना सबके लिए एक एक शार्पनर लाई, ठीक है, तो बांट दो। उसने पहला शार्पनर दिया मैडम को और बाकी बच्चों में बांटने लगी। मैडम ने डब्बी देखी, डब्बी के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन चाइना।
हर बार ज्यादा बिजली बिल आने से उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बिल की जांच करवाने पर अधिकारी बिना जांच किए ही उपभोक्ता को चलता कर देते हैं। मजबूर होकर बिजली काटने के डर से मनमाना बिल जमा करवाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। बिजली उपभोक्ताओं को 25% से ज्यादा बिल आता है तो बिना जांच किए उपभोक्ता को बिल जारी नहीं किए जा सकेंगे। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही उजागर हुई तो कार्रवाई भी हो सकती है। सीहोर जिले में बिजली कंपनी द्वारा जारी बिलों के कारण उपभोक्ता परेशान होते रहते हैं। कई बार उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काटता रहता है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती, मजबूर होकर मनमाना बिल जमा करवाना ही पड़ता है, जिसके चलते कई बार आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। बिजली बिल जनरेट होने के समय ही ये पता चल जाएगा कि इस माह जो बिल आया है वो पिछले वर्ष के वर्तमान माह के 25% बिल से ज्यादा तो नहीं है। अगर बिल की राशि पिछले साल के वर्तमान माह के बिल से अधिक आती है तो उस बिल की बिना जांच किए उपभोक्ताओं को जारी नहीं किए जाएंगे। गरीबों के घरों में आज भी चूल्हे जल रहे हैं और उन चूल्हों से निकलता धुआं महिलाओं को बीमार कर रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सीहोर जिले के 50,000 से अधिक परिवार तक उज्ज्वला योजना नहीं पहुंची है। यह आंकड़ा 2011 की बीपीएल सूची का है, वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है। जिले में अनेक गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम सुनहरा सपना बनी हुई है। योजना में जिन बीपीएल परिवारों को कनेक्शन चाहिए उनके नाम सूची में नहीं आ रहे हैं। कई बीपीएल परिवार अभी भी गैस चूल्हे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके नाम सूची में नहीं होने से उन्हें गैस का चूल्हा नहीं मिल पा रहा है। हालत यह है कि जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव थूना में उज्ज्वला योजना नहीं पहुंच सकी है। इसकी अनेक महिलाओं ने शिकायत भी दर्ज कराई। पुराने भोपाल के व्यापारी कई समस्याओं से इन दिनों जूझ रहे हैं। व्यापारी संगठनों द्वारा समस्याओं को लगातार उठाने के बाद भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। कई समस्या तो काफी पुरानी है। किराना, कपड़ा आदि के साथ सामान्य दुकान चलाने वाले व्यापारियों की अलग अलग समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शहर में पार्किंग की है। ये कहना था इब्राहिमपुरा में आयोजित पत्रिका टॉक शो में व्यापारियों का। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। बाजार में आने वाले लोगों के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए निर्धारित जगह नहीं है। सड़कों पर लगी दुकानों के कारण आवागमन के साथ ही व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। बाजार के अंदर जो पार्किंग की व्यवस्था है उसमें दुकानें लगी हुई हैं, जिससे वहां वाहन खड़े नहीं किए जा सकते। वहीं नगर पालिका भी साल में एक या दो बार अतिक्रमण हटाती है, वहीं उनके जाने के बाद दुकानें फिर से बाहर लग जाती है। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की है। इस विषय में सभी को वक्तव्य दे चुके हैं, लेकिन अभी इसका निदान हुआ नहीं है। इससे हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा, इसका निदान क्या है, पार्किंग की या कहाँ खड़ी होना चाहिए? अब हमें पत्रिका पेपर के द्वारा शासन को सूचित करने का अवसर मिला है कि इसका हमें शीघ्र से शीघ्र निदान करने की कृपा करें। आपको ये बताएं कि पार्किंग कहाँ है? ये चटोरी गली के सामने, यानी इब्राहिमपुरा रोड पे है ना, और पीछे है शफाखाने पे है, वहाँ तो स्थाई गाड़ी खड़ी रहती है। अगर वो हट जाए तो वहाँ, अगर ये टू व्हीलर पार्किंग हो जाए तो बहुत अच्छा है। मार्केट में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिसका एक मॉनिटर थाने में हो, यहाँ पे सब वॉचिंग हो। यहाँ पे कई जगह गुंडागर्दी भी होती है, लेडीजों के साथ कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हुई हैं, लेडीजों के पर्स गायब होना सब आम बात है। यातायात पुलिस ने एसडीएम बंगले के बाहर दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। विदिशा एसडीएम बंगले के पास यातायात पुलिस ने वाहनों की ये चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान मोबाइल पर बात कर वाहन चलाते समय एक युवक को पकड़ा तो उसका कहना था, मैडम मैं बेरोजगार हूँ, बड़ी मुश्किल से परिवार की गुजर बसर कर रहा हूँ, मैं चालान की राशि नहीं भर पाऊंगा। उसे बाद में समझाइश देकर छोड़ दिया गया। यातायात पुलिस का अमला यातायात थाना प्रभारी मिलन जैन के साथ दोपहर में करीब एक घंटे तक यहां वाहनों को रोककर जांच करता रहा। दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना नंबर के वाहन और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते युवकों को रोककर वाहन के आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। इस दौरान काफी भीड़ लग गई थी। सीहोर में बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने कई वाहन चालकों को फटकार लगाई तो कई को समझाइश दी। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने और तीन सवारी बैठा कर चलने वालों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई भी की।
इसमें पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को रोककर उनके चालान काटे। कई वाहन चालकों ने कार्रवाई से बचने परिजन से लेकर ऊंचे पदों पर बैठे संबंधितों से भी फोन लगवाया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तीन सवारी बैठकर फर्राटे भर रहे वाहन चालकों को चालान काटे गए। पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा और उसका चालान काटा। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इससे बचने के लिए पुलिस के सामने फरियाद करते नजर आए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदल लिया। दिन के बाद अब वो रात के अंधेरे में भी सागौन के परिवहन के काम में जुटे हुए हैं। बीती रात भी आष्टा में तस्कर सागौन ले जाने की फिराक में थे, लेकिन वन अमले को इसकी भनक लगी और वे आगे नहीं बढ़ पाए। सागौन फेंक कर गायब हो गए। अमले ने मौके पर पहुंचकर इन सागौन को जब्त किया। जंगल से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर उनके परिवहन करने वालों पर वन विभाग कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अमले की कार्रवाई को देखकर तस्कर भी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। उनका ये काम दिन के बजाय अब रात में हो रहा है। अब वापस ऐसा ही मामला सामने आया है। बीती रात भवरा से आस्था की ओर जा रही दो बाइक का पीछा किया गया। आखिरकार वन माफिया जंगल के रास्ते होते हुए खेत में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सागौन फेंक कर फरार हो गए। हमले ने मौके से 14 नग सागौन के जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 16,000 रुपए आकी गई है। वन विभाग ने अज्ञात के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर लिया है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।